अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश भी होंगे और महफूज भी। तो आपके साथ आज मैं जो वीडियो शेयर करूंगी वो देखें, आज हम एक एनिवर्सरी की वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे जो कि मेरे देवर और देवरानी की एनिवर्सरी है। तो ये देखें, हमने रूम को डेकोरेट किया है, तो यहाँ पर हमारा फंक्शन होगा। ये देखें, बैलून्स हमने लगाए हैं, लाइटिंग की हुई है, और ये देखिए नीचे एनिवर्सरी के कार्ड्स भी लगाए हैं, बहुत ही खूबसूरत। आज हमें काफ़ी टाइम लगा इसको डेकोरेट करने में। ये देखें, आज उसने मुझे कहा कि भाभी आप मुझे मेहंदी भी लगाएं, तो ये देखें मैं उसके हाथों पर मेहंदी भी लगा रही हूँ। देखें इतनी सर्दी है, यकीन करें हाथ फ्रीज हो रहे थे, वो भी बेचारी कांप रही थी, लेकिन फिर भी शौक का तो कोई मोल ही ना होता। तो आपको पता है कि शौक तो शौक ही होता है, तो इसलिए फैशन भी करना है हमने, तो ठंड को भी इंजॉय किया हमने, बहुत ही मज़ा आया हमें ये लगा मेहंदी लगा कर और ये सब डेकोरेशन करके। माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम बहुत इंजॉय कर रहे थे और अल्लाह ताला हम सबको ऐसे ही खुशियों के साथ रहना नसीब करे, आमीन। अल्लाह ताला आप सबको लोगों को भी खुश रखे और अपने घरों में आबाद रखे। तो ये देखें जी, मैं उसको मेहंदी लगा रही हूँ और साथ साथ काम भी रही हूँ। सर्दी लग रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर हमने सोचा कि सर्दी को जितना महसूस करेंगे उतनी ही सर्दी लगती है। ये देखें, लगा लिए 3 दिन, मैं तो बहुत मुश्किल से लगा रही थी। ये देखें जी, तो आप देख सकते हैं मेहंदी मैं बहुत आराम आराम से लगा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद मैं मेहंदी लगा रही हूँ, तो इसलिए मेरी स्पीड थोड़ी स्लो ही है। ये देखें जी, तो कल हम बर्थडे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे, बर्थडे तो नहीं, कल एनिवर्सरी है, तो हम कल एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। तो कल मैं आपको दिखाऊँगी कि हमारे घर में क्या क्या बनेगा। तो आज हमने सारी डेकोरेशन कंप्लीट कर ली है और आज ही हमने मेहंदी भी लगा ली और बाकी काम जो हैं वो समेट लिए। काफ़ी हद तक हमने अपने काम कंप्लीट कर लिए हैं और कल सिर्फ हम अपने खाने का काम करेंगे, खाना बनाएंगे और उसके बाद हम उसको सेलिब्रेट करेंगे अपने फंक्शन को। तो ये देखें जी, काफ़ी हद तक मेहंदी लग चुकी है, हमने बहुत इंजॉय किया आज भी। ये देखें, आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी मेहंदी कैसी लगी और आपको ये वीडियो कैसी लगी। उम्मीद है कि आपको भी बहुत से आइडियाज़ मिलेंगे इस वीडियो के साथ। तो ये देखिएगा, इसके बाद आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेहंदी की वीडियो भी कैसी लगी और आपको हमारी डेकोरेशन की भी। आज हम काफ़ी हद तक अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं और अम्मी ने आज काफ़ी हद तक अपना काम कंप्लीट कर भी लिया है। खाने का काम जो कि अम्मी ही संभालती हैं, अम्मी किचन का काम कर लेती हैं, हम बाकी काम कर लेते हैं। तो जी, आज अम्मी ने काफ़ी हद तक अपना काम कंप्लीट कर लिया, क्योंकि आज आपको पता है सर्दियाँ हैं, गैस की भी शॉर्टेज होती है, तो इस वजह से हम अपना काम जो है वो जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखें जी, एक हाथ पर हमारी मेहंदी लग चुकी है और उसने अपने हस्बैंड का नाम भी मुझसे लिखवाया है। मैंने कहा जी ज़रूर, मैं ज़रूर लिख दूँगी। तो ये देखें, उसके हस्बैंड का नाम मैंने आकिफ लिख दिया है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। काफ़ी अरसे के बाद मैंने मेहंदी लगाई है, लेकिन फिर भी लग गई है। ये देखें जी, ये दूसरे हाथ पर हमने मेहंदी शुरू की है, तो ये देखें दूसरे हाथ पर भी काफ़ी हद तक मेहंदी लग चुकी है। तो ये देखें, अब मैं आपको दोनों हाथ जो हैं वो दिखाती हूँ कि मेहंदी लग गई है दोनों हाथों पर। उसने कहा कि आप अंदर मुझे बस सादी सादी गोल गोल टिकियाँ बना दीजिएगा और ऊपर मेरे डिज़ाइनिंग से लगा दें। मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये देखें जी, मैंने उसके दोनों हाथों पर बैक साइड पर मेहंदी लगा दी है। ये देखें जी, बहुत ही खूबसूरत लग रही है, उसको बहुत अच्छी लगी, लेकिन मैं थोड़ी स्लो स्पीड में लगा रही थी इसलिए मैं थक गई। ये देखें, फिर उसके बाद हमने उसके रूम को डेकोरेट किया है। ये देखें जी, बहुत ही खूबसूरत
उसका रूम लग रहा था। ये देखें, अभी तो हमने लाइट्स ऑफ की हुई हैं, ये देखें कैंडल्स ऑन की हैं हमने, हमने रोज़ पेटल्स यूज़ की हैं इसमें। ये देखें मैंने हार्ट शेप बनाई है रोज़ पेटल के साथ। और ये देखें जी, ये भी हमने यहाँ पर रखी हुई हैं कैंडल्स। ये देखें यहाँ पर लैंप है और उसके साथ हमने अपना फ़ोटो फ्रेम रखा हुआ है। और उसके बाद ये बैलून्स हैं बेड पर, उसके बाद फिर ये देखें एक हार्ट शेप पर बनाई हुई है हमने, और उसके साथ कैंडल्स रखी हैं। ये देखें जी बहुत ही खूबसूरत रूम उसका लग रहा है। ये देखें रेड कम्बिनेशन है उसके रूम का, तो ये देखें जी रेड एंड स्किन कलर, रेड एंड ब्राउन कलर है, बहुत ही खूबसूरत कम्बिनेशन। और उसने जो बैलून सेलेक्ट किए थे वो भी रेड एंड ब्लैक किए, तो ये देखें जी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। रेड रोजेज, रेड उसके कर्टन है, रेड उसके जो फर्नीचर का, और ब्राउन कलर है रेड और ब्राउनिश। ये देखें जो वॉलपेपर लगा है वो भी रेड और ब्राउन में ही लगा है। और ये देखें इसकी बेडशीट, ब्लैक कलर की इसकी बेडशीट है, तो ये देखें।